Question two, hai. exercise three point six. Find the following F log up two is equal to zero point three zero one zero log three. is equal to 0.471 log 5 is equal to 0.690 and log 7 जो है ये सारे values हमें दिए गए हैं 0.8451 ठीक है ये सारे values दिए गए हैं और हमसे पूछते हैं number first part में uh, find log वन ज़ीरो ये मालूम कर लें ठीक है अब लॉग ऑफ वन ज़ीरो फाइव को हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ फिफ्टीन सेवन हजार फिफ्टीन सेवन हजार वन ज़ीरो फ़ाइव अब फिफ्टीन को मज़ीद हम कर सकते हैं लॉग ऑफ फाइव थ्री हज़ार फिफ्टीन और सेवन ठीक है इस तरह लिख सकते हैं अब ये हम इस तरह क्यों करते हैं वन ज़ीरो फ़ाइव को इस तरह हम स्प्लिट अप क्यों करते हैं पार्ट्स में कि इन चीज़ों की वैल्यूज़ हमें दिया गया है ठीक है क्वेश्चन में आप देख रहे हैं लाग थ्री की वैल्यू भी मौजूद है लाग फाइव की भी लाग सेवन की भी तो अब हम इस पर फार्मूला अप्लाई करते हैं लॉग ऑफ फाइफ प्लस लॉग ऑफ थ्री प्लस लॉग ऑफ सेवन मैंने आपको बताया है ना कि लॉग जब दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो और फिर उनका लॉग हो तो अलग अलग सब को हम ऐड कर सकते हैं ये फार्मूला नंबर वन जो हमने पढ़ा है अब लॉग ऑफ फाइव जो है वो हमारे पास क्या है नाउ पुटिंग द वैल्यूज़ पुट वैल्यूज़ लॉग फाइव की जगह हम ये पुट करेंगे जीरो पॉइंट सिक्स डबल नाइन ज़ीरो थ्री की जगह ज़ीरो पॉइंट फोर डबल सेवन वन और लॉग सेवन की जगह जीरो पॉइंट एट फोर फाइव वन इन सब को प्लस करने लॉग ऑफ वन जीरो फाइव इज इक्वल टू टू पॉइंट जीरो टू वन टू ये हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट ये क्वेश्चन टू का फर्स्ट पार्ट है अच्छा जी क्वेश्चन टू का सेकंड पार्ट क्वेश्चन टू का सेकंड पार्ट क्या है सेकंड पार्ट है लॉग ऑफ थर्ड रूट ऑफ सेवनटी टू लाग ऑफ थर्ड रूट ऑफ सेवेंटी टू सोल्यूशन थर्ड रूट का मतलब है लॉग ऑफ सेवनटी टू पावर वन ओवर थ्री ठीक है अब जो है फार्मूला लॉग ये हो गया लॉग ऑफ एम पावर एन सो एन लॉग ऑफ एम ये हो गया वन ओवर थ्री अपनी जगह पर है और log ऑफ सेवेंटी टू को हम आ, कर सकते हैं मज़ीद एट नाइन हजार सेवनटी टू ठीक है एट नाइन हजार सेवनटी टू अच्छा अब जो है वन ओवर थ्री लाग ऑफ एट प्लस लाग ऑफ नाइन यहाँ पर लिख ले ब्रैकेट में फर्स्ट ला ये बार बार रिपीट होता है इसलिए लाग ऑफ टू नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है फिर उनका लॉग है तो लाग ऑफ फर्स्ट प्लस लाग ऑफ सेकंड ये फॉर्मूला है फर्स्ट ला है अब लाग ऑफ एट जो है इसको हम लिख सकते हैं एक इस तरह वन ओवर थ्री लॉग ऑफ टू क्यूब एट को हम टू क्यूब लिख सकते हैं यानी टू का थ्री दफा मल्टीप्लिकेशन टू टूज आर फोर फोर टूज एट और लाग ऑफ थ्री नाइन को हम ले सकते हैं प्लस लाग थ्री स्क्वेयर नाइन को थ्री स्क्वेयर ले सकते हैं यानी थ्री का टू टाइम्स मल्टीप्लीकेशन थ्री थ्री जार नाइन ठीक है ये हम इसलिए करते हैं कि हमारे पास एट ओवर नाइन की वैल्यूज मौजूद नहीं है वहाँ पर हमारे पास टू ओवर थ्री की वैल्यू वैल्यू मौजूद है तो इसलिए हम इस तरह करते हैं अच्छा जी वन ओवर थ्री हो गया लाख टू की वैल्यू क्या है हमारे पास ए, ये है जीरो पॉइंट थ्री जीरो वन ज़ीरो होल क्यूब लाख टू की जगह ये लिख लिया और प्लस लाग ऑफ थ्री की जगह हमारी वैल्यू है ये जीरो पॉइंट फोर डबल सेवन वन होल स्क्वायर ठीक है अब ये हमारा हो गया इस इन सब का जो है ना हम मल्टीप्लिकेशन कर ले तो ये थ्री नीचे आएगा तो थ्री बाई थ्री मल्टीप्लाई ज़ीरो पॉइंट यानी ये थ्री जब यहाँ पर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा ना तो थ्री वन जार थ्री और नीचे वाला ख़ुद थ्री और ये नंबर और यहाँ पर ये नंबर जो है ये टू वाला ये टू ओवर थ्री हो जाएगा और ज़ीरो पॉइंट फोर डबल सेवन वन ठीक है अब थ्री बाई थ्री तो कैंसिल कर ले है? वन आता है इससे तो इससे जीरो पॉइंट थ्री ज़ीरो वन ज़ीरो प्लस इन सब को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से आता है जीरो पॉइंट थ्री वन एट ज़ीरो लॉग लॉग ऑफ दिस सेवेंटी टू क्यूब अच्छा जी अब आप देख लें ज़ीरो पॉइंट थ्री ज़ीरो और इन दोनों को प्लस करने से क्या आता है इन दोनों को प्लस करने से आता है log ऑफ 72 टू थर्ड रूट इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट सिक्स वन नाइन ज़ीरो हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर टू का फोर्थ पार्ट लाग ऑफ 2.4 ठीक है तो इससे अगर पॉइंट हम रिमूव कर ले तो लाग ऑफ 24 फोर ओवर टेन बनता है ठीक है पॉइंट रिमूव करने के लिए पॉइंट की जगह पर वन आता है और यहाँ पॉइंट के राइट साइड पर एक नंबर है तो एक जीरो ट्वेंटी फोर ओवर टेन हो गया अब ट्वेंटी फोर ओवर टेन को हमने इस्तेमाल करना है लाग ऑफ एम एन सो लाग ऑफ एम माइनस लाग ऑफ एन ठीक है ट्वेंटी फोर जो है ये हम लिख सकते हैं आ, एट थ्री 24 एट थ्री ट्वेंटी फोर और इस हम लिख सकते हैं टू फाइव जार टेन एट और थ्री हमने क्यों ले आया कि हमारे पास ना ट्वेंटी फोर की वैल्यू है ना हमारे पास टेन की वैल्यू है हमारे पास टू थ्री फाइव और सेवन इसकी वैल्यू मौजूद है तो इन का हमारी कोशिश होती है कि इन नंबर को हम ऐसे नंबर में स्प्लिट अप कर लें कि उनकी वैल्यू हमारे तो पास मौजूद हो ठीक है सो अब आ, ये जो है ऑफ एट थ्री तो ये हो गया लॉग ऑफ एट प्लस ऑफ थ्री माइनस ऑफ टू माइनस ऑफ फाइव ठीक है ये वैल्यू हो गया अब ऑफ एट ये तो हमारे पास मौजूद है सारे थ्री टू और फाइव लेकिन अब हमारे पास एट मौजूद नहीं है तो एट के साथ हम कोशिश करते हैं कि एट को ऐसे नंबर में हम अप कर लें कि वो हमारे पास तो ऐट जो है वो टू का क्यूब है ठीक है और प्लस लॉग ऑफ थ्री माइनस लॉग ऑफ टू माइनस लॉग ऑफ फाइव ठीक है अब हमारे पास जो है टू जो है ना ये थ्री यहाँ पर आएगा तो थ्री लॉग ऑफ टू यानी थर्ड लॉ के मुताबिक लॉग ऑफ एम पावर एन एन लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ थ्री माइनस लॉग ऑफ टू माइनस लाग फाइव ठीक है यहाँ पर अब हम वैल्यूज पुट करते हैं पुट वैल्यूज वी हैव लाग ऑफ टू पॉइंट फोर इज इक्वल टू अब यहाँ पर हमारा वैल्यू जो है वो पुट होता है आ, सबसे पहले आप लॉग ऑफ टू थ्री की वैल्यू पुट कर ले फिर लॉग ऑफ टू तो थ्री और लाग टू की वैल्यू है पॉइंट थ्री ज़ीरो वन ज़ीरो और ये है आ, प्लस ज़ीरो पॉइंट फोर सेवन सेवन वन लाग थ्री की वैल्यू और फिर है माइनस वन ठीक है सो लाग ऑफ टू पॉइंट फोर इज़ इक्वल टू इन सब से मल्टीप्लाई से इनका आता है सबसे ज़ीरो पॉइंट थ्री एट ज़ीरो वन तो ये हमारा आंसर हो गया अब जो है इसका फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर टू फिफ्थ पार्ट लॉग ऑफ ज़ीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो एट वन ठीक है ये होगा लाग ऑफ एटी वन डिवाइडेड बाई टेन थाउजेंड पॉइंट की जगह वन पॉइंट के राइट साइड पर फोर नंबर्स हैं तो फोर जीरोस ठीक है एटी वन बाई टेन थाउजेंड इसको लाग ऑफ एम और एन है तो लाग एम माइनस लाग एन ठीक है जिस तरह आपको मालूम है लॉग ऑफ टेन जो है ये वन के इक्वल है ठीक है लॉग ऑफ हंड्रेड जो है ये टू के इक्वल है लॉग ऑफ थाउजेंड थ्री का इक्वल है और लॉग ऑफ टेन थाउजेंड जो है ये फ़ोर के इक्वल है ये हिस्सा हमारे साथ फोर है ठीक है अब लॉग ऑफ एटी वन जो है लॉग ऑफ 81 हम किस तरह करेंगे? लाग आफ 81 जो है ये हम नाइन और माइनस ये तो फोर हो गया अच्छा नाइन नाइन एटी हो गया तो अब नाइन जो है ये थ्री का स्क्वायर है और ये भी थ्री का स्क्वायर है माइनस फोर है तो लॉग ऑफ थ्री स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ थ्री स्क्वायर माइनस फोर ठीक है अब ये इन दोनों पर अप्लाई कर ले ऑफ एम पावर एन का फार्मूला सो टू लाग ऑफ थ्री प्लस टू लाग ऑफ थ्री माइनस फोर टू तो अपनी जगह पर है और लॉग ऑफ थ्री हमारे पास क्या है लॉग ऑफ थ्री हमारे पास जीरो लॉग ऑफ थ्री हमारे पास जो है वो है ज़ीरो पॉइंट फोर सेवन सेवन वन जीरो पॉइंट फोर सेवन सेवन वन प्लस टू पॉइंट फोर सेवन सेवन वन माइनस फोर अब इन सब को मल्टीप्लाई करने से आता है ज़ीरो पॉइंट ये है वन पॉइंट नाइन वन पॉइंट नाइन जीरो एट फोर माइनस फोर तो अब इससे आता है माइनस 2.0916 ये हमारा आंसर है कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हुए